मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी पर विशेष अधिकार का मामला उठाया। प्रदीप यादव ने स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो के विरुद्ध बाबूलाल मरांडी की ओर से अवमानना करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही विपक्ष के नेता अमर बावरी की ओर से इसे अवमानना का मामला मानने से इनकार किया है। जो कार संचालन नियम सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि भाई कि विधानसभा पर आक्षेप करना विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप करना के बराबर ये विशेषाधिकार का मामला बनता है। इसलिए मैं अध्यक्ष से मांग करूंगा, इस सदन से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का अधिकार है और विशेषाधिकार का ये मामला बनता है कि भाई, और ये मामला केवल एक दिन का नहीं, अध्यक्ष महोदय इनकी आदत सी है, ये बाहर जाके बोलते हैं तथ्य परख बातें नहीं बोलते। अगर पैसा पकड़ा साहू जी के पास तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का पैसा है, इसलिए कि इनके पास तथ्य की बातें नहीं है, ये बिना तथ्य की बातें करते हैं, निराधार बात करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ उन बातों का अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी इसी सदन के सदस्य हैं, इसी सदन के सदस्य हैं, और जो माननीय प्रदीप यादव जी जो एलिगेशन जिनके ऊपर लगा रहे हैं, अभी भी आपके जो खाता और बही है विधानसभा का, उसमें अभी भी वो उनके अध्यक्ष हैं, झारखंड विकास मोर्चा के उन्हीं के अध्यक्ष हैं, और अभी वो चल रहा है मामला। आपने इसी मामले के कारण 4 साल तक माननीय बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया गया है। और कल जब आप सीसीटीवी यहाँ का फुटेज निकाल करके देख लीजिए, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने अपना हैंड रेज करके आपसे आग्रह कर रहे थे कि हमें बोलने का मौका दिया जाए। अब नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका जो दावा है वो भी अब नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एक सदस्य के रूप में भी, या तो फिर उनको हमेशा के लिए निलंबित कर दीजिए यहाँ से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जेबीएम के वो सदस्य है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो जेबीएम के सदस्य है तो आज तक 4 वर्षों में कभी मैं विधायक दल का लीडर हूँ, कभी उन्होंने समय नहीं मांगा कि मुझे कोई विचार रखने के लिए समय दिया जाए। मैं कह रहा हूँ विधायक दल के नेता के नाते, उन्होंने कभी समय हमसे नहीं मांगा अध्यक्ष महोदय, उन्हें क्या पता होगा, वो जबरदस्ती उन्हें अपना अध्यक्ष बनाए हुए है। और ये मामला विशेषाधिकार का बनता है अध्यक्ष महोदय, और ये कॉल अंशक धर्म में स्पष्ट है कि अगर अध्यक्ष पर आक्षेप होगा तो विधानसभा की अपमानना है, इसलिए विशेषाधिकार का मामला बनता है। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।